हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली मॉम्स विद कनिका। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके डिलीवरी सिम्टम्स के बारे में कि अगर आपने 8 या 9 मंथ में आ गई हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें फील होने लगेगी और आपकी डिलीवरी जो है कितनी जल्दी हो सकती है। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे ही आप अपने थर्ड ट्रेमेस्टर में एंटर करती हैं, उस टाइम पर आपका बेबी जो है सफेलिक पोजीशन में आ चुका होता है। सफेलिक पोजीशन क्या होती है? जिसमें आपके बेबी का हेड जो होता है वो नीचे की ओर होता है और आपके बेबी की लेग्स जो होती हैं आपके स्टमक में वो ऊपर की ओर होती है, यानी आपके रिब्स की साइड होती है। तो इस टाइम पर यही करेक्ट पोजीशन होती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए, क्योंकि अगर आपका बेबी जो है नीचे नहीं आएगा तो आपकी डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी, आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएंगे। तो फर्स्ट तो होता है आपका बेबी इस टाइम तक सफेलिक पोजीशन में आ चुका होता है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इस टाइम पर आपका पेट का जो ऊपरी हिस्सा है वो आपको खाली खाली लगता है, आपको चपटा फील होता है, क्योंकि आपका बेबी अब नीचे जा चुका होता है, हेड डाउन पोजीशन कर चुका होता है। तो आपका बेबी जो है नीचे वेजाइना की ओर जो है खिसकने लगता है, तो जो आपके पेट का ऊपर का हिस्सा होता है वो एकदम फ्लैट हो जाता है। तो उस टाइम पर आपको भूख भी ज़्यादा लगने लगेगी, आपको सांस लेने में जो डिफिकल्टी होगी वो भी अब नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस टाइम पर आपको कमर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है, आपका बेबी जो है नीचे आ गया है, तो जो भी सारा बेबी का प्रेशर होता है वो आपके एब्डोमेन पे, आपकी कमर पे, आपके पेल्विक एरिया में लगता है, जिससे आपको कमर में पेन रह सकता है, आपको अपने वजाइना के अराउंड पेन फील हो सकता है। जब आपकी डिलीवरी में 10 से 12 दिन रह जाएंगे तो आपको ये सिम्टम्स जो है फील होने लगेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड, म्यूकस प्लग का रिलीज होना। म्यूकस प्लग क्या होता है? म्यूकस प्लग जो है वाइट डिस्चार्ज में पिंकिश से स्पॉट्स दिखेंगे या रेड से स्पॉट्स दिखेंगे, इसे हम ब्लड स्पॉट्स भी कहते हैं। तो अगर आपको वाइट डिस्चार्ज में ब्लड स्पॉट जैसा कुछ दिखाई देता है तो इट मीन्स कि अब आपकी डिलीवरी जो है 7 to 8 hours में ही होने वाली है, या 4 to 5 hours में भी हो जाएगी। वो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब डॉक्टर आपको चेक करके बताएंगे कि आपकी डिलीवरी जो है कितने टाइम पे हो सकती है, क्योंकि म्यूकस प्लग जो होता है वो एक टाइप की क्लोजिंग होती है जो आपकी सर्विक्स के अंदर होती है। अगर वो क्लोजिंग जिसने आपके बेबी को गर्भ के अंदर रोक के रखा था वो क्लोजिंग ही खत्म हो जाएगी, वो ओपनिंग ही हट जाएगी, आपका सर्विक्स का मुंह जो है वो ओपन हो जाएगा, तो आपका बेबी जो है ऑटोमेटिकली बाहर आने का ट्राई करेगा। तो जैसे ही आपका म्यूकस प्लग रिलीज होता है आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है हॉस्पिटल, आपकी डिलीवरी अब कुछ ही आवर्स में होने वाली है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इन दिनों आपको सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह जो है वो खुलने लगेगा। जैसे कि आपको भी पता है कि जब तक सर्विक्स का मुंह 10 cm डायलेटेड नहीं होता तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो जब भी आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएंगे 9 months चढ़ते ही, तो उस टाइम पर ही 9 months चढ़ते ही आपके सर्विक्स का मुंह जो है धीरे धीरे ओपन होने लगेगा, 1 cm, 2 cm, 3 cm। डॉक्टर आपको चेक करके बताएंगे कि आपके सर्विक्स का डायलेशन कितना है। अगर सर्विक्स का डायलेशन 2 cm, 3 cm है बट स्टिल आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे, तो डॉक्टर आपको घर भेज देते हैं उस टाइम पे। बट कभी कभी तो ये होता है, लेडी को कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाता है और सर्विक्स का जो मुंह है वो सिर्फ 2 cm ही डायलेटेड होता है या 1 cm ही डायलेटेड होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ जाते डॉक्टर आपको एडमिट होने के लिए नहीं बोलते, राइट? तो जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्शन आने स्टार्ट होंगे, आपको लग रहा है कि आपका म्यूकस प्लग रिलीज हो चुका है, आपका सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह जो है खुलने लग गया है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है और डॉक्टर आपको सही से एडवाइस करेंगे कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है या कितने दिन बाद एडमिट होना है। नेक्स्ट है आपका वाटर बैग लीक होना। वाटर बैग क्या होता है? वाटर बैग होता है आपकी एमनियोटिक फ्लूड का बैग, एमनियोटिक फ्लूड की थैली जिसमें बहुत सारा वाटर होता है, जिसमें आपका बेबी जो है पूरे 9 months जो है ग्रो करता है, राइट? अगर आपकी वाटर बैग जो है लीक होने लग जाती है, उसमें से पानी जो है निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। आप डिलीवरी कुछ ही टाइम में हो जाएगी, कुछ ही घंटे में हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बार बार पेट में दर्द होना। 9 months तक आते आते आपको अपने पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द जो है फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ये दर्द जो है बार बार भी हो सकता है और ये दर्द जो है रुक रुक के भी हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये दर्द जो है 5 या 10 minutes के लिए रहता है और बहुत तीखा दर्द होता है, जिसे हम फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं या फॉल्स लेबर पेन भी कहते हैं। बट ये दर्द जो है 5 या 10 minutes होके चला जाता है, जैसे कभी हुआ भी नहीं था। बट अगर आपको ये दर्द बार बार आ रहा है, 1 minute रुकता है उसके बाद अगले 1 minute फिर आ जाता है, इस दर्द का और कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम पीरियड है वो कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है। पहले 5 minutes था, अब 1 minute था और अब बार बार आ रहा है।
राइट, एक मिनट आ रहा है फिर रुक रहा है, एक मिनट आ रहा है फिर रुक रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा और ये दर्द जो है अब आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो आपको उस टाइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका पेन जो है रुकता नहीं है, इट मीन्स ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन या फॉल्स लेबर पेन नहीं है, अब आपकी डिलीवरी जो है कभी भी हो सकती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।